This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Assalamualaikum. Good morning. I Junaid Gul with the program in focus with a new topic. और uh, टॉपिक हमारे जैसे हमेशा एक ऐसा uh, टॉपिक होता है जो कि डायरेक्टली uh, हमारी मीशत से ताल्लुक़ रखता है एंड विच इज़ अ बर्निंग एंड अ हॉट टॉपिक आज का टॉपिक भी हमारा ऐसा ही है विच इज़ द डेट इशू ऑफ़ पाकिस्तान इज़ इट अग मायर और इसको एक, एक, एक ऐसी मुश्किल जो कि हमें जो कुछ इकानिक जो है इसको डेट ट्रैप में भी यहाँ पे कहना चाहिए कि कर्ज़ों के शिकंजे में पाकिस्तान फंसला चला जा रहा है उसके बारे में आज उसके बारे में हम बात करेंगे नाजरीन अगर हम पाकिस्तान के डेट की हिस्ट्री को या कर्ज़ों की हिस्ट्री को देखें तो हमारा कर्ज़ा लेना या डेट या फॉरेन एड का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था उन्नीस से सो so उन्नीस से उन्नीस तक हमको पहली जो फॉरेन एड मिली थी वो 121 मिलियन डॉलर की मिली थी उसके बाद ये विद इन फाइव ईयर्स पाँच सालों के अंदर अंदर जो है ये ट्रिपल हो गई थी उसकी वजह ये थी कि हमारा जो इन्वॉलमेंट था कोल्ड वॉर में जो कि उस वक्त रशिया और यूएस के दरमियान जो एक कोल्ड वॉर थी उसमें हमारा इन्वॉलमेंट हो गया था जिसकी वजह से हमें एड मिलनी शुरू हुई थी और उसके बाद अगर हम देखें फ्रॉम 1961 टू 85 का पीरियड वो बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड है इंटरेस्टिंग क्यों है इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उसमें कुछ चीज़ें हमारी डायरेक्ट उसको जो हमारी सियासी हालात से उसका आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन रही है कर्ज़ों का भी उतरना ऊपर जाना और नीचे आना का ताल्लुक उसी से रहा है जैसे कि अगर आप देखें कि 1965 और 71 की वॉर के बाद पाकिस्तान जो है उसर्जा जात में कमी आ गई थी डिप आ गया था बिकॉज उसके बाद इंडिया पाकिस्तान दोनों पे जो है सेंक्शन लग गए थे कि किसी किस्म की वॉर में हम इंगेज नहीं हो सकते उसके बाद हम देखते हैं कि 1971 के बाद आ, जब ज्याला साहब का कू हुआ तो अगेन कर्जा जात जो है वो नीचे आए हमारे उसके बाद जब अफगानिस्तान में इन्वेजन हुआ रशिया का तो हमारे कर्जा जात में दोबारा से इजाफा शुरू हो गया और नाइनटीन में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई है उस वक्त कर्जा जात व एट द पीक जो हमको मिले डिफरेंट लैंडर से उसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो गया और न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या हुआ कि हमारे कर्ज हमको कर्जे मिलने फिर बंद हो गए हम पे सेंक्शन लग गए मगर फिर आ, जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर आया नाइन अलेवन हुआ और हमारे कर्जा दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए नाइनटीन सेवेंटी वन में पाकिस्तान के जो कर्जे थे वो तीन बिलियन डॉलर थे जिसमें कि ईस्ट पाकिस्तान का कर्जा भी शामिल था विच इज़ एम टॉक अबाउट द फॉरन एड जो तीन बिलियन डॉलर था जब हम देखते हैं दो हज़ार आठ की तरफ उस वक्त हमारा कर्ज़ा अराउंड चालीस बिलियन डॉलर था एक्स्ट्रा फॉरेन एड और उसके बाद जब हम 2010 और उसके बाद जब ये जमहूरी अदवार आना शुरू हुए पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब का जो करंट दौर है इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो एक्सटर्नल कर्जा है इस वक्त जो एक्सटर्नल डेट है वो 65.6 बिलियन यूएस डॉलर के करीब खड़ा हुआ है विच इज़ अूज अमाउंट और अगर हम टोटल पब्लिक डेट देखें वो दो से ले और अब तक जो है वो ट्रिपल हो गया है तीन तक तीन गुना बढ़ गया है टोटल डेट जो हमारा विच इज स्टैंडिंग एट रफली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 197 बिलियन यूएस डॉलर विच इज अराउंड 18 ट्रिलियन रुपए, तो ये एक बड़ा एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि हम देखते हैं कि हमारे कर्जों पर हम बहुत सारे दबते चले जा रहे हैं और आई एम एफ जो है इस वक्त उसको उसकी अपनी प्रोडिक्शन ये है कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल फॉरेन एड है एक्सटर्नल डेट जो है जो कि सिर्फ फॉरेन एड है जो जो हम बाहर से मुबारक से ले रहे हैं वो अराउंड सेवेंटी बिलियन हो जाएगा बाइट द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर और जो हमारा डेट टू जीडीपी डी रेशो है वो 65 फाइव परसेंट में चला जाएगा uh, जो कि पाकिस्तान का एक आ, 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 एक्ट है 2005 में जो बना था विच वॉज द एक्ट टू कंट्रोल द डेट टू जीडीपी डी पी रेशो आ, वो 60 परसेंट पर पाकिस्तान को लिमिट करता है बट इस वक्त आई जो एफ़ की प्रोटेक्शन है वो 65 परसेंट पे है हम यही चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमने अपने एक्सपर्ट को भी आज इनवाइट किया है जो कि हमको बताएंगे कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं और कैसे जो है आ, इन चीज़ों से हम टैकल कर सकते हैं फैम अख्तर साहब असल वेलकम टू तो द तो तो प्रोग्राम आप सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं की बड़ी गहरी नजर है माशियत के ऊपर अगर मैं दोबारा दरख्वास्त करूँगा अपने प्रोड्यूसर साहब से कि वो स्लाइड लगा दें जिसमें कि वो दिखा रहे थे कि हमारे जो उस वक्त करंट जीडीपी और डेट टू तो जीडीपी डी पी रेशो वो सिक्सटी है एज़ पर द स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान सर तो ये हमारे जो कर्जात हैं ये इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारा जो डेट टू तो जीडीपी डी रेशो है वो भी इस वक्त जो है इतना ऊपर चला गया है तो इस इसमें हम हाँ स्लाइड में अगर आप देखें हमारे तो उसमें भी देखें तो ये कि 64.8 परसेंट स्टेट बैंक का नंबर है जबकि जो बाकी इकोनॉमिस्ट हैं वो उससे ज़्यादा का नंबर भी रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये कुछ सिचुएशन है कि हमको उसको टैकल करना पड़ेगा क्या कर सकते हैं कैसे इसको देख सकते हैं हम राइट वेल मैं बहुत सादे से अल्फाजों में आज की बातचीत करना पसंद करूँगा उसकी रीज़न ये कि इस वक्त जो प्रोग्राम देखने वाले होते हैं नॉर्मली बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग फाइनानस और इकोनॉमी की मोटी मोटी टर्म्स के बारे में नहीं होती आपने जिस तरह से कर्जों की बात की पाकिस्तान के कर्जे ये बिल्कुल आप इसकी अंडरस्टैंडिंग एक नॉर्मल कर्जे की तरह से ले सकते हैं जिस तरह से हम में से कोई भी शख्स इंडिविजुअली अपने घर को रन करने के लिए कर्ज़ा जात मख्त जगहों से लेता है कर्जे की ज़रूरत कब पड़ती है जब आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक ना हो जब आपकी आमदनी और अखराजात में बैलेंस ना हो अगर आपकी आमदनी और अखराजात में बैलेंस होता है तो आप सेविंग की तरफ जाते हैं और आप खुशहाली की तरफ चलना शुरू करते हैं लेकिन जब इन दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं होता आपके अखराज बढ़ जाते हैं और आमद के आमदनी के जो मौाक़ होते हैं वो महदूद हों तो सूरत में क्या होता है उस सूरत में आप आप, आप क़र्ज़ों की दलदल में फंसते चले जाते हैं द डेट डेट ट्रैप।, ट्रैप यही एक इंडिविजुअल की सूरत में होता है और इकोनमीज़ की सूरत में जब आप मुल्कों की बात करते हैं तो इसी तरह की कुछ सिचुएशन चलती चली जाती है डेट ट्रैप में वो कंट्रीज़ फंसते हैं अगर आप हिस्टोरिकली देखें दो चार बीस पच्चीस पचास थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ तो आपको चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आएगी कि डेट ट्रैप में फंसने वाले किसी न किसी तरह के मसाइल का शिकार रहें वो लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है वो करप्शन भी हो सकती है वो बैड गवर्नेंस भी हो सकती वो है वो पुअर फाइनेंशियर बैड गवर्नेंस से जब आपने जिक्र किया तो आई थिंक मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा जरा प्लीज़ स्लाइड नंबर थ्री लगाए उस पर हमारा एक अब आप अब, अपना अब, बात कंटिन्यू रखिएगा उसमें वो अ, हमने दिखाया है कि इमर्जिंग मार्केट जो जो है उससे अगर हम कंपेयर करें बांग्लादेश इंडिया और ईस्ट एशिया के बाकी मुल्कों से तो हम किधर खड़े हैं डेट टू जीडीपी डी रेशो में वो भी लगा आप अपनी प्लीज बात कंटिन्यू अब वो कीजिए लगाते हैं स्लाइड पर राइट देखें हम वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट करें के साथ हर मुल्क की हर इकॉनमी की कोशिश होती है जितनी तेजी के साथ में प्रॉस्पर कर सके उसके लोगों में खुशहाली आ सके ये कम्पटन है ये कम्पटिशन है गवर्नेंस के दरमियान ये कम्पटन है इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान ये कम्पटिशन है मख्तलिफ ममालिक दरमियाँ जो अच्छा परफॉर्म करता है उसकी इकानमी बेहतर होती चली जाती है सर बांग्लादेश अगर हम देखें तो अगर अभी वो लगा दें थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूँगा बांग्लादेश का अगर डेट टू जी टी पी रेशो हमसे बहुत कम है वो और श्रीलंका जो एक ज़माने में काफ़ी बुरी हालात में था वो भी उस डेट से निकल आएँ बाहर इंडिया का जो है हालांकि उनका डेट टू जी रेशो हमारे से करीब करीब ही है बट स्टिल अगर हम देखते हैं तो फिर भी उनकी जो जी ग्रोथ है वो भी एक स्टडी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो उनकी एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है तो हम ये देखते हैं कि ये अगर आप इस वक्त हमारे नाजर भी अगर देखेंगे कि हम लोग जिस कंपैरिजन दिया है हमने ये स्लाइड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हमने वेबसाइट से ये स्लाइड ली है तो उस पर देखा जाए तो बड़ा क्लियर है कि हम लोग जो है वो बांग्लादेश से भी बुरे हाल में हैं जो कि हमारा ही मुल्क का एक हिस्सा था एक ज़माने में और अब जो है हम उससे बुरे हाल में हैं और प्लस अगर हम देखें कि इमर्जिंग एंड डेवलपमेंट एशियन कंट्रीज़ जो हैं उससे भी हम काफ़ी

बांग्लादेश ने एक बेड़ा उठाया कि उस सारे पानी को चैनलाइज किया जाए अपनी इकॉनमी को किसी तरह से इन ऑर्डर किया जाए उनके स्टेप सक्सेसफुल थे एक्सपोर्ट्स में आए इंडस्ट्री लगाई इंडस्ट्रियल जोन बनाए विल थी वक्त था बेहतर चीज़ें थी शायद ये वजह थी जिसकी वजह से उनके फिगर्स नंबर्स आपको तो होते हुए ग्रोते ये अगर हम हमारे जैसे वो लोग हैं हमारी जैसे हमारी हिस्सा थे पहले वो इंडिया भी हमारी जैसे एक मतलब माशरा है तो हम लोग क्या चीज़ गलत कर रहे हैं वो क्या चीज़ सही कर रहे हैं right, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा फैक्टर लॉ एंड ऑर्डर हमारी अपनी जोग्राफिकल लोकेशन है हमारे तो बांग्लादेश में भी, भी हमारे हमारे पास जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट है हमारे अपनी लोकल पॉलिटिक्स में वो भी खासी हमारी इकॉनमी को पिटर्व करते हैं इफ़ेक्ट करते हैं अगर आप उनको देखें हमारी हमारी अपनी जो लोकेशन है इट वो हमें बहुत सारे टबल्स की तरफ ले जाती है सी पैक वाले को देख लें मल्टीपल किस्म के इंटरेस्ट मिलेंगे मुख्तलफ़ किस्म के पावर्स के कोई चाहता है ये बन जाए किसी के हाई स्टेक्स हैं कोई चाहता है नहीं बने मतलब एक 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 कंसेंसस और हम लोग पेज पे नहीं आ पा बनेशन लोकली तो हम एक पेज पे आना हमारे लिए कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें थोड़े से ब्रॉडर कैनवस करने के बाद तो अगेन अगेन चीजें बड़ी मुख्तलिफ है मुख्तलि तरह के इंटरेस्ट है लोगों के कुछ लोग चाहते हैं कि ये सी पैक बन जाए कुछ लोग चाहते हैं बलूचिस्तान डेवलप करे कुछ चाहते हैं बलूचिस्तान डेवलप ना करे कुछ के इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान टोटल पीस और हारमनी में हो देर आर फ्यू कंट्रीज़ जो कि फुली अंडरस्टैंड करते हैं पाकिस्तान अगर प्रॉस्पर करता है तो उनके इंटरेस्ट जो हैं वो मीट नहीं होंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई yeah. इतनी ज़्यादा जो हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर वाला कंपैरेटिवली बड़ा अच्छा 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 है, बड़े और एक और बड़ी अच्छी प्रोड्यूसर हमारी स्लाइड नंबर फोर अगर वो लगाएं उसमें सर हमने ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ऑफ 2005 2005 का जो बनाया था उसके तहत हमारा डेट टू जीडीपी टी पीछा परसेंट से ज़्यादा नहीं जा सकता उसके बाद एक मीडियम टर्म डेट स्ट्रेटजी 2014 हज़ार चौदह से अट्ठारह एम टी डी एस विच प्रोवाइड समेट टारगेट्स इन द मीडियम टर्म एस पी बी एक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिट्स गवर्नमेंट बोइइंग फ्राम द सेंट्रल बैंक टू जीरो बाई एंड ऑफ द क्वार्टर अब ये सब चीज़ें मौजूद हैं ये हमारे पास एक एक्ट मौजूद है स्टेट बैंक की गाइडेंस मौजूद है हमारे पास uh, ये एम टी डी एस जो एक मीडियम टर्म एक लॉन्ग टर्म को एक वो देता है सब मौजूद है हमारे पास उसके बाद हमारे पास जो आई थिंक आई व जो फगदान है वो ये कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन हम आई थिंक डनाइल में रहते हैं uh, अभी भी अक्टूबर 2015 को जो 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 गवर्नमेंट नंबरस थे 2015 अक्टूबर के फिस डेट टू जीडीपी डी के वो हमको 59.1 परसेंट बताए थे जबकि एज ऑफ नाउ आई थिंक सितंबर में वो 64.8 परसेंट स्टेट बैंक उसको रिपोर्ट करा था तो हम इन चीज़ों पे एडहेयर क्यों नहीं कर पाते हैं? हम जब ये लॉज बन जाते हैं एक अकाउंटेबिलिटी है मौजूद तो हम ये क्यों नहीं कर पाते हैं? इसकी क्या वजह सर देखिए सबसे पहले तो हमें एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए अगर अपने डेट्स को हम हर डेट ट्रैप से निकलना चाहते हैं कंट्रोल करना चाहते हैं कर्जे से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी एक मुल्क के पास आमदनी बढ़ाने के ज़राए क्या होते हैं सबसे पहले होता है टैक्स टैक्स हर उस जगह से लेना चाहिए जहाँ से टैक्स मिलना चाहिए अनफॉर्चुनेटली अगर आप हमें देखें टैक्स टू तो जी देख लें टैक्स एरियाज देख लें टैक्स की टैबिंग देख लें आपको इतनी इफेक्टिव नज़र नहीं आएगी बहुत सारे सेक्टर्स हम बहुत आसानी के साथ जहाँ से टैक्स मिल सकते हैं वहाँ से तो हम टैक्स लेते हैं लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल का सामना होता है चाहे वो पॉलिटिकल मुश्किल हो या प्रोसीजरल हो हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते हम उसे छोड़ देते हैं शायद ये वजह है अगर आप आई को भी देखें आई ने हमें बारहा इस बात पे, बिकॉज जो आई के फंक्शंस हैं उसमें से एक टेक्निकल असिस्टेंस भी है right. जब से हम उनके प्रोग्राम में गए तो टेक्निकल असिस्टेंस के तौर पे उन्होंने बारहा में बताया कि राइट अपने आप टैक्सेशन सिस्टम को मॉडिफाई करें टैक्स रिफॉर्म करें टैक्स रिफॉर्म की बात की टैक्स को बढ़ाएँ उन सेक्टर्स को टैप करें जहाँ से फ़िलहाल टैक्स नहीं आता हर आप आप हॉर्जेंटली मूव करें हर वो शख्स हर वो ऑर्गेनाइजेशन हर वो एरिया जहाँ से आमदनी है वो टैक्सेबल होनी चाहिए राइट right. इस पर काम भी हुआ जिस तरह से आपके नॉलेज में होगा कुछ गवर्नमेंट्स ने बहुत सीरियसली किया लेकिन उस पर हमें उसके असर तो सर एक और चीज़ यह कि अगर स्लाइड नंबर फाइव हमारे बैगे आपको बड़े और इम्पॉर्टेंट फिगर दिखाता हूँ अगर स्लाइड नंबर फ़ाइव हमारे प्रोड्यूसर साहब लगा सकें नाजरीन के लिए भी के आप टैक्स की बात कर रहे थे तो मुझे लगाते हैं टैक्स से है मुझे जो आईएमएफ कहता है कि हमारा जो पोटेंशियल है टैक्स का टैक्स टू तो जीडीपी टी पी रेशो का वो अलेवन परसेंट पर खड़े वो कहते हैं <coughs> सॉरी वो कहते हैं हमारा पोटेंशियल 22 परसेंट का है अगर हम अपनी सब्सिडीज़ वगैरह सारी जो है वो ख़त्म कर सकें किस तरह से सर ये जो हमारी डेट सर्विसिंग थी फिस्कल ईयर दो में वो सेवन बिलियन डॉलर्स थी विच इज़ ऑलमोस्ट फिफ्टी ऑफ करंट रिजर्व जो पंद्रह बिलियन डॉलर के रिजर्व है हमारे जिस तरह से भी बनाए हमने उसका फिफ्टी परसेंट वॉज डेट सर्विसिंग इस फिसके लिए दो हज़ार पंद्रह सिक्स पॉइंट एट बिलियन डॉलर डेट सर्विसिंग में हमने लगाएं इंक्लूडिंग फाइव पॉइंट नाइन बिलियन एज प्रिंसिपल अमाउंट एंड नाइन फिफ्टीन बिलियन एज इंटरेस्ट पेमेंट तो सर मतलब अगर आप अपना रिजर्व का फिफ्टी परसेंट जो है अगर आप डेट uh, सर्विसिंग पे लगाएंगे तो आप खाएंगे क्या और कमाएंगे वो जो वही बात लोग करते मतलब दिस इज वर्डर वही बेसिक चीज पर आप चले जाएं। जी आमदनी कम ज़्यादा कर्जे लिए कर्ज़े के आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके इफ़ेक्ट्स आपकी माशी जिंदगी पर आएंगे तो वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अगर आपकी जब तक ये प्लानिंग ठीक नहीं होगी जब तक आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी आप अपने so,

इसको मज़ीद सादा कर लेते हैं हमारे पास लेबर हमारे पास बिजली हमारे पास पानी हमारे पास ज़मीन का कराया इन ममालिक से महंगा पड़ जाता है राइट right. तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में ला कर रखते हैं कंपटीशन right. के सूरत में एक ऐसे बायर के सामने जो कि एक प्रोडक्ट चूज करना चाहता है उसको चीपर प्रोडक्ट मिलती है बांग्लादेश right. के साइड से उसको right. चीपर प्रोडक्ट मिलती है Sir, चीपर क्यों मिलती जैसे आप आँ आईएमएफ आँ की की बात बात कर कर रहे रहे थे जो टैक्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स वो एनर्जी भी तो हैं ना वो एक्सैक्ट एनर्जी रिफॉर्म्स में बड़ा एक मेजर अगर हम अपने एनर्जी को अपनी इंडस्ट्रीज के लिए कम कर दें तो उस पर थोड़ा सा रोशनी आप जैसे आप एनर्जी एनर्जी एक बेसिक एलिमेंट है एनर्जी को जब तक आप रिवाइव नहीं करेंगे एनर्जी जब तक आपके पास चीपर कॉस्ट पे नहीं आएगी मुझे ब्रेक बस... के लिए कहा जा रहा है शॉर्ट ब्रेक नाजीन प्लीज डों छोटा सा ब्रेक लेंगे कम बैक एंड डिस्कस एनर्जी रिफॉर्म्स एज पर दई आईएमएफ एंड हाउ वी कैन रिफॉर्म इट थैंक यू वेलकम बैक नाजीन आफ्टर द ब्रेक ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो कर्जाजात हैं जो शिकंजे में हम फंसते चले जा रहे हैं कर्जों के उससे कैसे निकला जाए एनर्जी uh, रिफॉर्म्स की ओर बात हो रही थी नाजीन बिफोर वी गो बैक टू आर डिस्कशन मैं आपको एक uh, बड़े अलार्मिंग फिगर्स कुछ बताने चाह रहा हूँ जो कि हमारे टैक्स uh, की वजह और सॉरी हमारे कर्जात की वजह से हम पे बढ़ते चले जा रहे हैं फोटी सेवन परसेंट ऑफ वॉट एवर गवर्नमेंट जनरेट्स सैंतालीस फीसद जो गवर्नमेंट रेवेन्यू में बनाती है वो हमारे डेट के अगेंस्ट uh, जाता है और लास्ट ईयर हमने 44 फोर परसेंट पे किया था टू पे द डेट ऑफ वॉट एवर रेवेन्यू दैट वी हैव अर्न सो यू कैन इमेजिन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सैंतालीस परसेंट ऑफ वॉट एवर द गवर्नमेंट हैज़ अर्न इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज इसमें हमने जो है उसको डेट रिपेमेंट के लिए हमने भेजा है जबकि आइडियली जो फिगर होना चाहिए वो थर्टी परसेंट होना चाहिए एज़ पर द नॉर्मल स्टैंडर्ड्स तो वी आर लुकिंग एट फोर्टी सेवन परसेंट विच इज़ वेरी वेरी हाई उसके अलावा जो हमारी एक और बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि जो सोशल स्पेंडिंग पर हमारा जो खर्चा है वो दैट्स ओनली टू 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 पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ द जी डी पी तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हेल्थ केयर हमारी एजुकेशन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सिवाय रोड्स के <laughs> वो जो है उसका बुरा हाल क्यों है सो आई थिंक दिस इज़ सर दिस इज़ आई कम बैक टू यू नाउ अगेन आप एनर्जी सेक्टर पे बात कर रहे थे बट ये जो मैंने भी आपको फिगर्स बताएँ इससे आपको खौफ और सर ये क्या नज़र आ रहा है किधर जा रहे हैं खास से आप सही अल्फाज आपने इस्तेमाल किया इसको अगेन हम अप्लाई करेंगे सिंपल लैंग्वेज में उस घर की उस इंडिविजुअल की हम एग्ज़ाम्पल देंगे कि आप जब अपनी आमदनी और अखराज में बैलेंस नहीं करते कर्ज़े ले लेते हैं और आधा पैसा आपका चला जाए कर्जा जात के इंटरेस्ट की सूरत में तो आप अपनी हेल्थ पे तो नहीं दे पाते हेल्थ को आप आप लास्ट प्रायोरिटी कर देते देंटली exactly. आपके घर के लोग आपके घर के लोग खुशहाल नहीं हो पाते सेहतमंद नहीं हो पाते आप उनकी तलीम नहीं अच्छी है। उनको दिलवा सकते एजुकेशन के एवेन्यू के जो होते हैं उनके पास से ख़त्म हो जाते हैं अच्छी तालीम अपने बच्चों को नहीं दिला सकते अपने आप को आप ग्रो नहीं कर सकते अपने इंटरनल मामला को नहीं देख सकते तो ये सारी की सारी चीज़ें इफ़ेक्ट्स उसके सिमिलरली इकॉनमीज़ पे भी आते हैं मुल्कों पे भी आते हैं अगर ये चीज़ें सही प्लान ना हो तो बात चल रही थी एनर्जी जी प्लीज सर एनर्जी एक बेसिक एलिमेंट है जिसके बगैर आप किसी तरह की प्रोडक्शन पे नहीं जा सकते किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे नहीं जा सकते हमारे पास एनर्जी डेफिसिट रहा है एनर्जी एक्सप्लोरेशन अलहमदिल्ला हमारे पास रही अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान के जहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है एनर्जी एक्सप्लोरेशन का क्रूड का बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हम जहाँ पे ग्रेविटी और ये जो सोलर एनर्जी में भी जा रहे हैं लोग प्रोजेक्ट्स आर नॉट गिविंग राइट एक प्रोजेक्ट तो आ, एक या दो प्रोजेक्ट तो गालिबा लग चुके हैं जैमपीर इंटीरियर सिंध में एक जगह है वहाँ पर और इन कलेब्रेशन विद चाइनीज और उस पर गलिबा काम भी चल रहा है पंजाब में जो प्रोजेक्ट लगा था उसका सोलर का उसका था सौ मेगावाट का वो जो प्रोड्यूस कर रहा है शायद एवरेज वो अट्ठारह या बीस जिसकी कॉस्ट इज सो हाई सो आई डोंट नो वो जैसे आपकी वाली बात की जो प्रायोरिटीज आर नॉट राइट अब सर मैं एनर्जी के अलावा एक और जगह आपको लेके जाना चाहूँगा कि अब जो हम फ्यूचर जब देखते हैं चलो अब तो हम यहाँ कर्जों पे खड़े हैं 65.6 बिलियन हम खड़े हैं फॉरेन एड के ऊपर टोटल नाइन्टीन वन पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर टोटल हमारा पब्लिक डेट है सर 2018 में जो गवर्नमेंट आएगी जो भी आती है कभी ना कभी जो जाना है ना तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो अब 2013 में जो हमने पेरिस क्लब की जो फंडिंग थी उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कराई थी वो भी ड्यू हो जाएगी 2018 तक जो हमने यूरो बॉन्ड सुकूक बॉन्ड जो लॉन्च करके पैसे लिए थे वो भी ड्यू हो जाएगा।, जाएगा फिर जो एक्सटेंडेड जो हमारा चल रहा है आई का जो प्लान अभी जो सितंबर 2016 में ख़त्म हो रहा है ये भी इसकी भी रीपेमेंट 2018 में शुरू हो जाएगी तो सर मतलब ये हम दोबारा मज़ीद कर्ज़े लेंगे क्योंकि मुझे तो नज़र आ रहा है कि इसको जैसे हफीज़ पाशा साहब को मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उन्होंने कहा था कि दो तक जो ये हालात आ जाएंगे तो उसके बाद हम जो है मज़ीद कर्ज़े लेंगे या हमारे कर्ज़े इतने बढ़ जाएंगे कि हम इस शिकंजे से निकल के लिए फिर हमें आ, प, आ, काफी चीज़ों पर का सामना नजर आता है, है। वही बात है कि 2018, ये वो वक्त होगा जब पॉलिटिकल चेंज भी आ रही हो नई आने वाली गवर्नमेंट को खासे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और उसमें अगेन प्रोफेशनल विजडम चाहिए होगी कि गवर्नमेंट किस तरह से उसको हैंडल करती है किस तरह से टैकल करती है और किस तरह से अपनी इकानमी को स्ट्रैथ अभी जैसे अब अभी बात कर रहे हैं तो अभी 500 मिलियन डॉलर जो है मजीद हिसाक डार साहब आई थिंक या तो कॉन्फ्रेंस होने वाली होगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हेरल फिंगर साहब जो कि आई मिशन के चीफ़ हैं इस रीजन के और डार दुबई में मौजूद हैं आज उसका कंक्लूजन है चार फरवरी का कंक्लूजन था उस मीटिंग का तो अब आज जो है वो बताएंगे कि कर्जा मिल गया है क्योंकि मोस्ट रॉबली मिलेगा वो तो हमको चौदह वेवर मिले थे पहले ऑलरेडी चौदह वेवर मिल चुके हैं आई एम एफ प्रोग्राम के आपको अब श्योर पता होगा अब हमको मज़ीदी वेवर लेने पड़ेंगे मज़ीद हम पे कुछ बोझ डाले जाएंगे तो अब पिछली दफा हम चालीस बिलियन रुपये का बोझ लेके आए थे जो कि इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और कहा जा रहा था लग्जरी आइटम पर लगेगा बट काफ़ी चीज़ों पर लगा दिया गया आपका क्या लग रहा है कि कुछ मज़ीद हम पे बोझ पड़ेगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्जा लेने में कोई कबाहत नहीं है कर्जा लोग भी लेते हैं कंपनीज भी लेती हैं मुल्क भी लेते हैं लेकिन कर्जा लेने के बाद उस पैसे को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है क्या उसका इस्तेमाल इस तरह से है कि वो आपकी इकोनॉमी को बिल्ड कर सके क्या वो उसका इस्तेमाल इस तरह से है कि आपने उस कर्ज़े के इंटरेस्ट की सूरत में जो पैसे देने उससे ज़्यादा आप कमा सकते exactly. हैं अर्न कर सकते हैं दिस इज इज सर आपकी बात दोबारा अर्न करने के लिए जरूरी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए इस वक्त जो हमारी करेंसी ओवर वैल्यूड है हैवीली ओवर वैल्यूड है वो से वो भी एक हाँ, इम्पेडिमेंट है हमारी एक्सपोर्ट से भी नुकसान पहुँची है बट हम उस पर स्टिक कर रहे हैं नहीं जी हम उसको डिवेल्यू नहीं करेंगे जबकि इंडिया चाइना ऑलरेडी अपनी करेंसी डिवेलू कर चुकी है ज़्यादातर मुल्क अपनी करंसी डिवैल्यू कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमको एक्सपोर्ट बढ़ाने की आई थिंक किसी चीज से भी ज़्यादा जरूरत है एक्सपोर्ट बट वो नहीं कर रहे एक्सपोर्ट बनाने की हमारा जो जो यूरो है वो डॉलर के अगेंस्ट ट्वेंटी परसेंट डी वैल्यू हो गया विच मेक्स अस वेरी नॉन कम्पेटिव इन द यूरोपियन मार्केट एक्ट बिकॉज हम लोग सिक्सटी टू ट्वेंटी परसेंट जो है वो हाई प्राइस पर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डी वैल्यूएशन ऑफ यूरो अगेंस्ट डॉलर ट्वेंटी परसेंट तो ये भी एक बड़ा एक uh, जो अजीब चीज़ नज़र आ रही है कि यू नो नॉर्मली मैं कहूँगा इसको कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है बट उसको करने की जो चीज़ जरूरी है वो हम नहीं कर रहे हैं Exactly. Really right सारी 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 रुपए को हमने कहाँ पे रखना है parities, with dollar, with euro, किस जगह पे रखना है किस तरह से चलाना है और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उन मार्केट्स को टैप करने के लिए बट अनफॉर्चुनेटली जी एस पी प्लस का हम मुकम्मल तौर पर फायदा नहीं उठा सके बल्कि कुछ भी मेरे ख्याल में फायदा नहीं आई थिंक शुरू के आठ 18 महीने या सत्रह महीने हमें कुछ एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ी थी बट लास्ट छः आठ महीने में उस डिक्लाइन की वजह क्या है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके साथ वाले ममालिक हैं जो कि जिनकी जिनकी अपेरेंस आपकी तरह से है इकोनॉमिक अपियरेंस वो आपसे बेहतर वर्क कर रहे हैं उनकी पोजिशन आपसे बेहतर है उनकी मार्केटिंग इन लाइन विद द मार्केट उनकी मार्केटिंग अच्छी है उनकी प्लानिंग अच्छी है उनकी इंडस्ट्री अच्छी है right. उनकी प्रोडक्शन अच्छी है वो मार्केट्स को टैप कर रहे हैं और उस कंपटीशन में आप इन लाइन नहीं आप पीछे रह रहे हैं राइट right. अच्छा इसमें एक और सर बड़े मज़े की जो बात नज़र आती है कि जो हमारी सोशल स्पेंडिंग है उस पर कट लगता हुआ नजर आ रहा है मुझे इस दफ़ा के जो हमने मतलब ये मैं नहीं कह रहा जो बड़े बड़े इकानमिज पाकिस्तान के वो कह रहे हैं कि टू मीट आर बजट डेफिसिट जो टारगेट दिया गया था हमको फोर पॉइंट नाइन परसेंट कर दिया गया था तो उसको वेव ऑफ़ तो हमने नहीं मीट कर पा रहे हो वैसे नहीं कर पा रहे तो वो उसको वेव ऑफ़ तो कर देंगे बट वेव ऑफ़ करने के लिए ये कंडीशन लगाएंगे कि जो आपका छः सौ बिलियन या का जो जो पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग है सोशल स्पेंडिंग उसको आप कम करके आधा कर दें तो वैसे ही कोई हमारी डेवलपमेंट नहीं है तो उसके बाद जब ये भी और मज़ीद कम हो जाएगा और उसके बावजूद हम जो स्पेंडिंग हमारी जो है वो लेवश औरेंज ट्रेन और बसेस के ऊपर है तो हम लोग सर मतलब इट्स अ वेरी मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की कि कहीं कोई अच्छी चीज़ नज़र आए बट मुझे दो हज़ार अट्ठारह लुक्स टू बी अ वेरी डिजास्ट्रस लैंडिंग फॉर अस पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सोशल सेक्टर में जो आपकी uh, आपने पैसा लगाना होता है सबसे पहले कट डाउन करती हैं बिल्कुल और अनफॉर्चुनेटली रियलाइज़ नहीं करती हैं कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स आपके इनहेबिटेंट आपके लोग आपकी पॉपुलेशन जब तक सेहतमंद नहीं है जब तक पढ़ी लिखी नहीं है जब तक उनके पास मौाक़े नहीं हैं आप ग्रो नहीं कर सकती आपकी ग्रोथ के लिए दी वेरी फर्स्ट फैक्टर इज़ योर पीपल बिल्कुल जब तक कि उनको तमाम मौाक़े नहीं मिलेंगे अच्छी तालीम नहीं मिलेगी अच्छी अच्छे अच्छी अच्छी हेल्थ के मौाक़े नहीं मिलेंगे किसी सूरत में आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते आप कुछ भी किसी तरह की इंडस्ट्री लगा लें इंडस्ट्री को ऑपरेट करने वाले इंडिविजुअल्स होने हैं कोई मशीन ऐसी नहीं है जो कि सेल्फ ऑपरेटेड हो कोई ना कोई इंसान कोई ना कोई शख्स exactly. बैठ के उससे ऑपरेट कर रहा होता है फॉर दैट पर्पज आपको सोशल सेक्टर में में फोकस मजे की बात ये कि डिवोर्स में जो अभी इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा था उसमें जो उसके जो फाउंडर हैं क्लाउस शुआफ सा उन्होंने भी पाकिस्तानी इकोनॉमी की तारीफ़ की थी सारे जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सब लोग बोलते हैं पाकिस्तान बड़ा अच्छा जगह है इन्वेस्ट करने के लिए बट हमारा एफ डी आई जोन इन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आधी रह गई हुई है लास्ट ईयर से उसके बाद जो हमारे जो स्टॉक चेंज में हालात हैं उसमें भी जो फौरन इन्वेस्टर है अपने पैसे सारे बाहर निकाल रहा है तो स्टॉक चेंज के हवाले से आप कुछ अगर रोशनी डालना चाहें इस चीज़ के ऊपर के ये फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान के हालात की वजह से बाहर जा रहा है या इस द वर्ल्ड वाइड जो उसको मजबूर कर रहा है कि पुल आउट देखिए स्टॉक मार्केट का जो आप ग्रोथ देखें ख़ासतौर पर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की राइट नाव तो बहुत ज़्यादा फिनल नज़र आती है मार्केट कहाँ से चलना शुरू हुई दो हज़ार आठ से चलना शुरू हुई और उसके बाद में उसने एक पीक देखी पिछले चंद माह से आप थोड़ा सा एफ डी आई को देख रहे हैं कि आपको विड्रॉ नज़र आता है तो राइट ये दुनिया भर की मार्केट्स में इस तरह से होता तो है। तो आप कह रहे हैं इसका गवर्नमेंट जो हमारे एक, मुल्क से नहीं है डायरेक्ट की गिरती हुई भी है। वो अगर, है, अगर आप अपने तो जो ऑयल स्टॉक्स है उनका बहुत बड़ा वेट है बिल्कुल सही काम जब वो स्टॉक्स

ईबीएन के जनवरी का जो आगाज था वो बहुत ज्यादा इनकरेजिंग नहीं था लोगों ने यहाँ तक कहा कि 2016 दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स के लिए मार्केट्स के लिए अच्छा साल नहीं होगा तो, तो हम बहुत लोट ऑफ चैलेंजेस ऑफ अच्छा कर रहे हैं वो तो कभी लगता है कि हमारा कोरिलेशन है सुबह में एक जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कभी लगता है कि पाकिस्तान मार्केट इज डायरेक्टली टू द वर्ल्ड मार्केट और कभी बिल्कुल लगती है अब आजकल दुनिया भर में जो है बुरा हाल है हम लोग जो है वो बत्तीस हज़ार पॉइंट में दोबारा पहुंच गए राइट right. हमारे पास इस वक्त अगर आप देखेंगे दो तीन दिन से अगर आप मार्केट के परफॉर्म करने की बात हैं तो उसकी रीजन शायद ये भी है कि हम रिजल्ट अनाउंसमेंट के सीजन वह से पास हो रहे हैं इस वक्त okay. आज आजकल रिजल्ट चल रहे हैं और जो मेन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके रिजल्ट अगले चंद दिनों में या आ चुके हैं या आने लगे हैं या शेड्यूल्ड हैं अल्टीमेटली right. स्पेकुलेशन होती हैं डिविडेंड्स एक्सपेक्टेड होते हैं अर्निंग्स एक्सपेक्टेड होती हैं तो लोग उसमें आते हैं मार्केट में एक्टिविटी शुरू होती है तो ये वजह है शायद जिसकी वजह से हमारी मार्केट तो बेहतर परफॉर्म कर, कर रही है, और right. एक हाईस की तरफ खड़ी हुई है मेरे ख्याल में मार्केट में स्टॉक मार्केट में अगर जो भी लोग इन्वेस्टेड हैं तो कोई इतने ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है अगर उनका सारा प्लान वेल वर्कड आउट है वो चीज़ें सही हैं तो it's it's yeah, और आपको ये भी पता है कि कंपनी इसके रिजल्ट्स किस तरह के थे कंपनी के नए वेंचर्स क्या हैं right. कंपनी किस तरह से चल रही है आगे आप उस स्पेसिफ़िक सेक्टर की ग्रोथ क्या देख रहे हैं right. सारा होमवर्क अगर आपका कंप्लीट है तो कोई परेशानी की बात नहीं सर कमिंग बैक टू डेट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान तो मैं जो आपकी उससे बात से नतीजा निकाल सका वो ये निकाल सका हूँ कि आई थिंक uh, हम जो इस शिकंजे में फंसे चले जा रहे हैं इट्स अ डेट डेट ट्रैप खतरनाक ट्रैप है ये इससे हमें निकलने के लिए uh, बहुत मेजर एफर्ट्स की ज़रूरत है जिनमें से एक एफर्ट हमारा टैक्स टैक्स रिफॉर्म्स एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स उसके अलावा फिर हमको जो है वो अपने जो एक्सपोर्ट्स है उस पर काफ़ी तोज्ह देनी चाहिए अब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए करंसी इज़ वन एरिया एंड आई थिंक जो टेंथ रिव्यू था इसमें करेंसी डिवेलूएशन की डिस्कशन भी हुई होगी एंड आई थिंक इट इज़ वी विल फाइंड आउट टुडे कि वो अब पाकिस्तान में वापस आके जो हमारी फाइनेंस की टीम है वो किस तरह से रिहा करती है तो उसके उसमें उस, उस करेंसी डिवेलुएशन प्लस ये कि इंसेंटिव्स बिकॉज जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल फार्मा कोई सा भी आप सेक्टर देख लें वो खुश नहीं है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स बिकॉज गेट एंड उनट का जो मेकैनिज़म है वो बहुत डिलेड है उनके लिए तो आई थिंक एक्सपोर्ट्स को जो बढ़ाने के लिए चीज़ें करनी चाहिए वो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज वेर वेयर द प्रॉब्लम लाइज जी 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 दुनिया भर में देखें एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे इंसेंटिवस मिलते हैं एक्सपोर्टर्स बादशाह कंसिडर किया जाता है एक्सपोर्टर्स जो है वो आ, हर जगह पर वेल रिस्पेक्टेड होता है लेकिन हमारे पास शायद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स को वो तमाम मौा हासिल नहीं हैं हमें भी अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए वो तमाम चीज़ें उनको देनी पड़ेंगी और हमें बैठना पड़ेगा एक दफ़ा बहुत सीरियसली अपने एक्सपोर्टर्स के साथ एक्सपोर्ट अगर आपकी बढ़ती है आपका रेवेन्यू आपका इंक्रीज़ हो रहा है आप खुशहाली की तरफ जा रहे हैं आप बहुत सादे से सा एग्ज़ाम्पल एक चीज़ जो आप सौ रुपये की पाकिस्तान में बेचते हैं जब आप उसे एक्सपोर्ट करते हैं तो मिनी मिनी टाइम्स मिनी मिनी टाइम्स आपको ज़्यादा पैसे उसके मिल रहे होते हैं नेशनल इकानमी को फ़ायदा हो रहा होता है स्पेसिफिक कंपनी को फ़ायदा हो रहा होता है इंडिविजुअल्स को फ़ायदा हो रहा होता है तो इसीलिए बाहर की मार्केट्स को दुनिया भर टैप करती हैं और ख़ास तौर पर हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ऐसे मुल्क जिनकी इकानमी बहुत अच्छी नहीं है उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए यूरोपियन मार्किट्स दूसरी दूर दराज इलाक़ों की मार्केट्स उनको टैप किया जाए वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को भेजा जाए कम्पीट किया जाए अपना एक ब्रांड नेम बनाया जाए और उसको कन्वर्ट किया जाए अगेन इज समथिंग विच पाकिस्तान गवर्नमेंट इज सेलिंग हैवीली और uh, अगर मैं देखता हूँ कि सी पैक एक है और उसके बाद हम अगर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं सी पैक पर अभी आते हैं दोबारा एक्सपोर्ट्स में मुझे एक चीज़ याद आई है कि अगर मैं देखता हूँ कि द नंबर ऑफ टाइम्स आर फाइनेंस टीम हेडेड बाई मिस्टर सागटार जितनी दफ़ा वो जाके बाहर बॉन्ड बेचने की कोशिश करते हैं उतनी दफ़ा अगर वो यहाँ के एक्सपोर्टर्स से मिल उनकी प्रॉब्लम को समझ लें तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ इनकिंग डेट पेइंग रेवेन्यूज़ यू कैन गेट नॉन डेट पेइंग रेवेन्यूज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एज वेल तो आई थिंक वो वो भी एक बड़ा एक एक डिस्पैरिटी है जो नजर आती है कि अंदरूनी मामला तो सॉल्व करने के बजाय हम जाके महंगे दामों पर बॉन्ड बेच आते हैं और जबकि बाकी जो लोग हैं वो उस बॉन्ड मार्केट से निकल रहे थे उस वक्त और हमने उसको इतने महंगा वहाँ पे बेच किया है जिसका कि रीपेमेंट का जो साइकिल स्टार्ट होगा तो अगेन विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर आस अगेन तो अगेन इसके ऊपर भी अगर थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि ये बॉन्ड जो अभी हमने सेल आउट किए हैं इसका इंपैक्ट क्या हो क्या बेहतरी हो सकती थी इसमें देखिए बॉन्ड बेचना एक कोई बड़ी कामयाबी नहीं होती फौरी तौर पे पैसा भी तो, तो जनरेट कर सकते हैं वो भी इस प्राइस पे।, पे फौरी तौर पे पैसा तो जनरेट कर सकते हैं फ़ौरी तौर पे आपके पास पैसा आ सकता है और अपने जो इकॉनमी के मामला हैं उनको ठीक कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में इट इज़ नेवर अ गुड सोल्यूशन आपको उन तरीक़ों पर जाना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से हम बात कर रहे थे अगर आपने पैसा ही जनरेट करना है टैक्स बेहतर करें लार्ज स्केल मैनुफेक्चरिंग करें आप रिवाइवल लेकर आएँ आप अपनी एग्रीकल्चर में आप देखें प्राइमरीली हमारी बेस एग्रीकल्चर हुआ करती थी हमने उस पर फोकस नहीं किया हमने उसको छोड़ दिया लेकिन दूसरे ममालिक आस पास के अगरी को कहाँ तक ले गए उसकी एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर के भी किस हद तक डिक्लाइन है आप उसे टैप करते होंगे देखते होंगे इट इज़ नेवर नेज दिज वर्कूटलीटली हमारा फ्रूट दुनिया भर के मार्केट्स में जाया करता था बहुत लिमिटेड हो गया है हमारे वेजिटेबल प्रिजर्व करने के लिए फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है इसी को हम ऑर्गेनाइज करें

Uh, जहाँ हमने सुकूक यूरो बॉन्ड दो हज़ार अठारह में जाते हुए आएंगे और ये डेट रिपेमेंट सारी स्टार्ट हो जाएगी ये सी पैक जो है ये इसके इस, इसको uh, एग्जीक्यूट करने के लिए इसको चलाने के लिए हमको काफ़ी चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी उसके लिए भी पैसे चाहिए विच इज़ विच मीन्स डेट मोर लोन्स और सम मनी टू बाई दीज थिंग्स डेवलप्ड इंटरनली तो ये अगेन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी नज़र आ रहा है कि जब दो में जब सी पैक अपने प्राइम पर पहुँचेगा तो उस वक्त हमारे पास पैसा ही नहीं होगा कि हम चीज़ें इम्पोर्ट कैसे करें कहाँ से करें तो ये एग्जीक्यूशन पर एक बड़ा एक प्रॉब्लम बड़ा खड़ा हो जाएगा गुल साहब अगेन में बेसिक्स की तरफ चले ले जाऊँगा साथी सादी जबान में जी जब भी आप अपने घर में कोई नया प्रोजेक्ट उठाते हैं कोई नई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं कोई नई जगह लेना चाहते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं पैसा कहाँ से जनरेट करेंगे उस चीज़ को आप रेनोवेट किस तरह से करेंगे right. उसको आप शेप में किस तरह से लेकर आएंगे लेकिन अगर आपका प्लान ठीक हो आपका होमवर्क ठीक हो तो चीज़ें एग्जीक्यूट होती चली जाती हैं राइट वेंचर्स कामयाब होते हैं दुनिया भर में बिज़नेस इस तरह से इस्टबलिश होते हैं तो नेशंस भी कंट्रीज तो भी, भी बिजनेस इसी तरह से इस्टबलिश करते हैं आप इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल इट इज़ वेरी मच पॉसिबल हैविंग लॉट ऑफ चैलेंजेस जिस तरह से आपने बताया बिल्कुल उसमें मुश्किल तो बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन अगर हम उसमें स्मार्ट वर्क करते हैं तो so, उसके फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होंगे उसके रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी रियली हेफ्टी बड़े अच्छे नज़र आए हैं जो ये रेकलेस बोरोइ हमको नज़र आ रही है हमारे मुल्क में क्या ऐसा कोई ऑडिट प्रोसीजर ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो उसको रोक सके जबकि वो लॉ जो मैंने 2005 का आपको बताया वो भी मौजूद है बट उसके बावजूद हमको इतनी रेकलेस बोइंग नज़र आ रही है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कोई पूछने वाला नहीं है और अब तो इनकी मेजोरिटी ऐसी है कि जैसे पी की प्राइवेटाइजेशन भी है उस पर इतना कुछ हो रहा है हंगामा पूरे मुल्क में और लोग कुछ लोग भी जहाँ बा हो गए इस पर हमारे कैमरा मैन भी जो है उनको उनको भी चोट लगी थी उस जब वो पीक पे हंगामा था तो अगेन uh, 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 ये जो uh, एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर है आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो हमारे मुल्क में वो भी नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए आप क्या गुल साहब रेकलेस बिंग कहीं पर भी चाहे वो इंडिविजुअल हो अगेन आई एम टर्निंग बैक टू सेम बिगनिंग चाहे वो इंडिविजुअल हो या नेशनल लेवल पे हो कहीं पे भी नहीं होने चाहिए है. हमें हमें इसकी तरफ देखना चाहिए इंडिविजुअल की हैसियत से भी और कॉम की हैसियत से भी रेकलेस बोरोइंग कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको टबल में ले जाती है right. तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है अपनी आम जिंदगी में भी और फैज साहब बड़ी अच्छी थॉट पे आपने इस इस बात को हमको समझाया कमिंग टू एंड ऑफ़ द प्रोग्राम ना नाजरीन आ, हमने डिस्कस किया कि जो पाकिस्तानी कर्जा जात हैं हमने उसको थोड़ा सा देखा कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है फ्राम सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान उन्नीस सौ इक्यावन से हमने कर्जा जात लेने शुरू किए हैं वो कैसे बिल्डअप होते चले गए और कैसे उसमें ऊपर नीचे आते रहे आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमको जैसे कि फ़हीम साहब ने ये बताया कि अपने जो रेवनीू जनरेटिंग जराए हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा और हमको वो तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि हम डेट को पे बैक कर सकें बग़ैर मजीद कर्ज़ा लिए हुए अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं वो नज़र ये आ रहा है कि हमको कर्ज़ा उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ा लेना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा जो सी पैक है जो कि एक बहुत ही प्राइम और प्राइज्ड आ, एक आ, प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का जिससे कि पूरा रीजन में हमारे लिए एवेन्यूज खोल सकते हैं उस पर भी हम पे नुकसान पहुंच सकता है और हमारी जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स हैं द वे देर दे आर अप अगेन दे आर मोस्टली ड्यू टू लोन्स एंड ड्यू टू सेलिंग ऑफ हैवी इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट यूरो बॉन्ड एंड सुकोक्स सो आई थिंक हमारी गवर्नमेंट आज जब हम होपफुली दसवा रिव्यू के बाद जब हमको किस्त मिल जाएगी तो कोई ऐसे एक्स्ट्रा प्रेशर हम पे होपफुली ना आए जिससे कि को नुकसान पहुँचे विद दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम इनशा अब हम uh, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे विद अ न्यू टॉपिक विद इफ़ेक्ट्स जिससे कि हमारी मीशत के ऊपर और हमारे मुल्क के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ रहा है uh, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम वॉच करने का कीप वॉचिंग थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़